निगरानी बनी है। आज अभी हम लोग मंडी थाना और कुतुब शहर थाना की भ्रमण करके जो हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे 100% लॉकडाउन कराए गए हैं, जो हॉटस्पॉट जहाँ पे पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहाँ के 4-5 मोहल्ले में पैदल टेस्ट भी किए हैं और ड्रोन कैमरा से निगरानी भी रखा गया है। लगभग 25-26 लोग जो है मंडी थाना क्षेत्र में इनको पकड़ के बिठाए भी गए हैं कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जा रहा है। लगातार लोड एलर से हम लोग अनाउंस भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करना खुद का हित में है, तो इस तरह से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है होम डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में चेकिंग किया गया है कि होम डिलीवरी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें कुछ अतिरिक्त और सुविधा प्रोवाइड करने की आवश्यकता है कि नहीं, इस संबंध में हम पूरी तरह से। अच्छा सर, यहाँ पर जो एरिया है आपका कुतुब शहर क्षेत्र, यहाँ पर बाद में कुछ लोग मिले हैं जमाती, तो क्या इनको भी हॉटस्पॉट कर दिया गया, सील कर दिया गया? देखिए ये जमाती का प्रश्न अलग है, जमाती में जो 1 मार्च के बाद जो मरकज होते हुए आए हैं, तुर्कमन गेट वगैरह होते हुए आए हैं, उनका तमाम लोगों को हम लोगों ने और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। जो भी जमाती खुद को सामने ला रहा है कि इलाज के लिए, तो उनको तत्काल इलाज दिया जा रहा है और उनका सैम्पलिंग लेके भेजा भी जा रहा है। इसमें जो सिम्टोमेटिक पाया जा रहा है उनको तत्काल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी भेज रहे हैं और जो पॉजिटिव आ गए उसको एलवन हॉस्पिटल भेज रहे हैं। जहां तक तीतरों और अन्य जगह की बात है, सब जगह की सूची हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से जो जमाती मरकज होते हुए आए हैं निजामुद्दीन होते हुए, उनका इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर लिया गया है। जो छुपा के अपने को अभी तक प्रशासन के सामने जो लाए खुद को नहीं प्रोड्यूस किया है उसके खिलाफ FIR, जो बाद में जैसे हम लोग पता करके उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर वो अपने से छुपा रहा है जमाती की भी मैं घर पे छुपके रह रहा है, तो फिर वो दूसरे की जान को भी खतरे में डाल रहा है, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कई बार समझाने के बाद भी, कई बार अपील करने के बाद भी अभी भी कुछ लोग छुपे होने का जानकारी, ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई। ठीक है।